पार्ट सिक्स में हम देख चुके हैं ज़ाओसिन बेड पे से फिसलकर मिस्टर लिन की बाहों में गिर गई थी, जिससे वो हैरान थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट सेवन से पहले पार्ट सिक्स भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आए बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट सेवन में हम देखते हैं तो ज़ाओसिन एकदम से उठ जाती है। मिस्टर लिन को कंपनी का फोन आया था कि उसके सैनमिंग आइलैंड वाले प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। मिस्टर यू बोल रहा था कि उसे कंपनी की बहुत चिंता है, पर किंग से हैरान था कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक कैसे हो सकती है। ज़रूर किसी स्टाफ मेंबर ने लीक की होगी, पर मीटिंग के टाइम पे तो वहाँ कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं था। तभी ज़ाओसिन मिस्टर लिन को कॉफ़ी देने आती है तो मिस्टर यू कहता है, सिर्फ ज़ाओसिन ही उस टाइम मीटिंग में तुम्हारे साथ थी ना। मिस्टर लिन को चोरी वाला इंसिडेंट याद आता है तो उसे कहता है, मैंने जो तुम्हें चिप दी थी, जाकर चेक करो कि वो चोरी तो नहीं हुई। इधर हम देखते हैं कोई उस चिप को ज़ाओसिन के टेबल पर रख देता है। ज़ाओसिन पर्स में चिप को ढूंढती है, पर चिप तो उसे टेबल पर रखी मिल जाती है, तो वो मिस्टर लिन को देती है। मिस्टर यू कहता है, अगर चिप चोरी नहीं हुई थी तो ज़ाओसिन ने ही इंफॉर्मेशन लीक की होगी। पर मिस्टर लिन समझ गया था कि चोर ने ज़रूर चिप चुरा कर वापस रखती होगी। ज़ाओसिन मना करती है कि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की। मिस्टर यू को शेयर होल्डर्स का कॉल आता है तो कहता है, शेयर होल्डर्स ने मीटिंग बुलाई है, और ऐसे क्रिटिकल टाइम पर हम किसी दोषी को यहाँ नहीं रख सकते। मिस्टर लिन कहता है, ये मेरी असिस्टेंट है, मैं खुद ही फिगर आउट कर लूँगा। मीटिंग में शेयर होल्डर्स बोल रहे थे कि एक तो पहले तुम्हारे र्यूमर्स की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस काफ़ी कम हो गए थे, और अब इंफॉर्मेशन लीक। मिस्टर लिन कहता है, अगर आप लोग चाहो तो मुझे हटा भी सकते हो, पर क्या मेरे हटने से कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। सब चुप थे तो वो कहता है, अगर सैनमिंग आइलैंड वाले प्रोजेक्ट के बाद भी कंपनी के शेयर प्राइस नहीं बढ़े तो मैं अपनी तरफ से लॉस भर दूंगा। दो गर्ल्स बैठी बातें कर रही थी कि ज़रूर ज़ाओसिन ने ही इंफॉर्मेशन लीक की होगी, तो मिस्टर लिन को उसे फायर कर देना चाहिए, पर मिस्टर लिन तो उस पर दया दिखा रहा है, ज़रूर ज़ाओसिन ने उस पर कुछ जादू कर रखा होगा। ज़ाओसिन कहती है, अगर तुम दोनों को मुझ पर इतना ही शक है तो पहले जाकर प्रूफ लेकर आओ, ऐसे पीठ पीछे बातें मत बनाओ। वो गर्ल्स उसे उल्टा सीधा बोलने लगी थी तो उनकी लड़ाई देख मिस्टर लिन गुस्से से उन पर चिल्ला पड़ता है, तो सब चुप हो जाते हैं। ज़ाओसिन छत पर खड़ी रो रही थी तो वो उसे देख कहता है, तुम रो रही हो। वो मना करती है तो वो कहता है, मुझे पता है तुम बेकसूर हो। वो कहती है, पर तुम डायरेक्टर्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे। वो कहता है, चिंता मत करो, उन्हें डील करना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। वो कहती है, चाहे जो भी हो जाए पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वो सोचता है, अगर तुम्हें पता चले कि मेरी वजह से ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है, क्या तुम तब भी मेरे साथ दोगी। रात में काम करते करते ज़ाओसिन को याद आता है कि उसे डिनर भी करना है, तो कहती है, मिस्टर लिन ने भी अभी डिनर नहीं किया होगा, ये फाइल भी उसे देनी है, तो क्यों ना डिनर लेकर उसके घर चली जाऊं। इधर किंग्से को मिस्टर लिन की चिंता हो रही थी, पर मिस्टर लिन को तो ज़ाओसिन की ज़्यादा फिक्र थी। इतने में ज़ाओसिन भी मिस्टर लिन के घर के गेट पे आ जाती है तो किंग्से कहता है, तुझे ज़ाओसिन की इतनी चिंता है तो तू मान क्यों नहीं लेता कि तू उसे लाइक करता है। मिस्टर लिन कहता है, ये कैसे हो सकता है, वो इतनी ट्रबल मेकर है, मैं तो बस उस पर दया दिखा रहा हूँ। ज़ाओसिन सोचती है, ठीक है तुम मुझे लाइक नहीं करते ना, तो फाइल और डिनर गेट पे ही रख के वहाँ से जाने लगती है। तो किंग्से उसे कहता है, मेरे ख्याल से तुझे ज़ाओसिन को ट्रांसफ़र या छुट्टी दे देनी चाहिए ताकि वो और प्रॉब्लम्स में ना फंसे। मिस्टर लिन और किंग्से जब बाहर आते हैं तो गेट पे ही रखी फाइल और डिनर देख लेते हैं। नोट पे कार्टून बना देख मिस्टर लिन समझ आता है कि ज़ाओसिन ने ही ये रखा होगा, इसलिए भागता है। इधर ज़ाओसिन बोल रही थी, तुम मुझे भले ही लाइक नहीं करते पर मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगी। उसको देख मिस्टर लिन सोचता है, अगर मैं ज़ाओसिन को अपने साथ रखता रहा तो वो और प्रॉब्लम्स में पड़ सकती है, और इसलिए उसके पास नहीं जाता। फ्रेंड्स, मैंने जब अमेज़ॉन पे क्यूट क्यूट एंड कम्फर्टी सी हुडी देखी जिसपे आर्मी का लोगो है, सिर्फ यही नहीं इस पर BTS के बहुत सारे क्यूट एंड अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप भी मेरी तरह BTS के फ़ैन हो और BTS से रिलेटेड चीज़ें बाय करने का बहुत मन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे Amazon affiliate लिंक को क्लिक करके वहाँ से बाय कर सकते हैं।
और आप इस तरीके से मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जाओसिन देखती है कि ऑफिस में मिस्टर लिन की कॉफ़ी पहले से रखी है। इनफैक्ट मिस्टर लिन ने अपनी पहली वाली असिस्टेंट को वापस बुला लिया था। जाओसिन थोड़ा हैरान थे, पर मिस्टर लिन जाओसिन से कहता है, तुम इंफॉर्मेशन लीक की टॉप सस्पेक्ट हो, तो बताओ तुम रिजाइन करोगी या मैं तुम्हें फायर करूँ। वो कहती है, क्या बोल रहे हो, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है। वो कहता है, मेरे भरोसा होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, स्टाफ के लोग तुम्हारे खिलाफ बातें बना रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी दे दूँगा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। वो कहती है, ज़रूरत नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर तुम्हें लगता है मैं ट्रबल मेकर हूँ तो मैं खुद ही रिज़ाइन कर दूँगी। और सैड हो चली जाती है। मिस्टर लिन भी सैड था और कॉल कर बॉडीगार्ड को जाओसिन का ध्यान रखने को बोल देता है। जाओसिन अपना सामान पैक कर रही थी तो मैनेजर उसे बाय करने आता है। फिर जाओसिन सैड होकर कंपनी से चली जाती है। इधर किंग्सी और असिस्टेंट मिस्टर लिन को सुनाकर जानबूझ के बोल रहे थे कि अब तो जाओसिन का करियर खतरे में है, उस पर इंफॉर्मेशन लीक का दोष है तो उसे जल्दी से जॉब भी नहीं मिलेगी, बेचारी जाओसिन। पर फिर मिस्टर लिन को घूरते देख चले जाते हैं। मिस्टर लिन उन दोनों की बातें सुन कहता है, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। और इंटरनेट पे असिस्टेंट के जॉब के रिक्वायरमेंट्स देखने लगता है और कहता है, इन्हें असिस्टेंट से इतना ही काम करवाना है तो रोबोट क्यों नहीं रख लेते। ये मैंने क्या कर दिया, जाओसिन को इतना कुछ सहना पड़ेगा। और एक लेटर लिखने लगता है। इधर जाओसिन जो अपना सामान लेके जा रही थी, उसे शक हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कहती है, जो भी है बाहर आ जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी मिस्टर लिन के सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आ जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें मिस्टर लिन ने जाओसिन को प्रोटेक्ट करने भेजा है। तो जाओसिन कहती है, यानी मिस्टर लिन ने मुझे जॉब से इसलिए निकाला क्योंकि उसे मेरी फिक्र थी। उसके हाँ करने पे बॉडीगार्ड्स भागकर जो अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। मिस्टर लिन किंग्सी के ऑफिस में आता है पर कुछ बोल नहीं रहा था और किंग्सी को बात स्टार्ट करने का इशारा करने लगता है। देन किंग्सी वाज लाइक, बता क्या बात है। तो वो उसे एकदम लेटर दिखाता है। इनफैक्ट वो जाओसिन के लिए जॉब रिकमेंडेशन लेटर है। किंग्सी कहता है, ये तो बढ़िया आइडिया है, पर तुझे इसे जाओसिन को पर्सनली जाकर देना होगा। तो मिस्टर लिन कहता है, गुड आइडिया, और लेटर लेके भाग जाता है। इधर जाओसिन कहती है, मुझे तो उस डेविल का समझ नहीं आया, एक तरफ तो मेरी चिंता कर रहा है, दूसरी तरफ मुझे खुद से अलग कर रहा है। तभी बाहर किसी की आवाज़ सुन वो गेट खोलने जाती है और वो था मिस्टर लिन, जो सीधा उसके घर में घुस आता है। वो पूछती है, तुम अब क्या करने आए हो। वो कहता है, तुमने कंपनी के लिए काफ़ी मेहनत की है तो तुम्हें इसका इनाम भी मिलेगा। और फिर उसके सारे बॉडीगार्ड्स उसके घर का ओल्ड फर्नीचर उठाने लगे थे। जाओसिन उन्हें रोकती है, इनफैक्ट उन्होंने उसकी जगह नया फर्नीचर रख दिया था। वो कहता है, अब खाना बाहर से ऑर्डर मत करना, वो हेल्दी नहीं होता, इसलिए ओवन में बनाना, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। जब वो पानी उठाने के लिए उसके क्लोज होता है तो वो थोड़ा नर्वस फील करती है। मिस्टर लिन नूडल्स बना ही रहा था पर तभी लाइट्स बंद होते ही वो डर जाता है और जाओसिन उसे गिरने से बचाने के लिए हक कर लेती है। वो नर्वस था तो एकदम दूर होती है। लाइट चली गई थी तो वो उसका अंधेरे में हाथ पकड़ती है और डिनर के लिए जाओसिन ने कैंडल्स जगा ली थी और खाने लगे थे, पर नूडल्स सभी कच्चे थे। वो कहता है, तुम बहुत क्लम्सी हो, केयरलेस हो, पर तुम्हें कुछ खूबियाँ भी हैं, तो मेरे फायर करने पर तुम्हें ऐसे सैड नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। और लेटर निकालता है। जाओसिन सोचती है, लव लेटर, पर वो कहता है, इस लेटर से तुम्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी। और लेटर पढ़ सुनाने लगा था। वो कहती है, तुम्हें लेटर में मेरी थोड़ी और तारीफ करनी चाहिए थी, जैसे मैं क्लेवर हूँ, केयरफुल हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। वो कहता है, ठीक है मैं अगली बार सही से लिखूंगा। बॉस तुम हो या मैं। वो हंसने लगी थी तो वो गुस्सा करता है। वो कहती है, अगर तुम मुझ पे चिल्लाए ना तो मैं कैंडल्स बुझाकर तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। मिस्टर लिन चुप हो जाता है पर तभी लाइट्स आ जाती हैं। दोनों जैसे ही कैंडल्स बुझाने के लिए उठते हैं, एक दूसरे को क्लोज होने पे देखने लगे थे। मिस्टर लिन जाओसिन को किस करने वाला था, तभी बॉडीगार्ड बताता है कि उसने लाइट ठीक कर दी है। तो जाओसिन एकदम से अपनी सीट पर बैठ जाती है। बेचारे मिस्टर लिन का तो किस ही कैंसिल हो गया था और उसे बाय कर चला जाता है। रात में जाओसिन मिस्टर लिन की फ़ोटो देख रही थी और सोचती है, मिस्टर लिन ने मुझे एक्स्ट्रा सैलरी भी दे दी, रिकमेंडेशन लेटर भी दे दिया, मैं फिर भी खुश फील क्यों नहीं कर रही। इधर मिस्टर लिन सोचता है, सैनमिंग आइलैंड के प्रोजेक्ट का दिन पास आने वाला है,
कि अब भी वैसा ही होगा जैसा पैरेलल यूनिवर्स में हुआ था। ज़ाओसिन को रात में भी वही सेम सपना आता है तो वो हैरान थी। नेक्स्ट डे से मिस्टर लिन और बाकी सब सैनमिंग आइलैंड वाले प्रोजेक्ट के काम पे लग जाते हैं। जब ज़ाओसिन की फ्रेंड को उसकी एक्स्ट्रा सैलरी वाली बात पता चलती है तो वो कहती है, वाओ अब तो तू अपने ड्रीम सैनमिंग आइलैंड पे घूमने भी जा सकती है। ज़ाओसिन भी हाँ करती है और सैनमिंग आइलैंड की टिकट बुक कर देती है। इधर मिस्टर लिन सैनमिंग आइलैंड की स्पेशल सेरेमनी पे स्पीच दे रहा था और ज़ाओसिन भी वहीं सैनमिंग आइलैंड पे आ जाती है और कहती है, कितने सालों बाद मैं यहाँ वापस आ गई। मिस्टर लिन ने ब्लू केव की डाइविंग वाला काम कैंसिल कर दिया था ताकि पैरेलल यूनिवर्स वाला सीन फिर से ना दोहराए। तभी उसकी नज़र ज़ाओसिन पे पड़ती है जो दूसरे टूरिस्ट के साथ थी, तो वो कहता है, तुम ही यहाँ क्या कर रही हो। देन ज़ाओसिन वॉज लाइक, हाय मिस्टर लिन, क्या कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ डाइविंग सीखने आई हूँ। पर मिस्टर लिन उसे पकड़ कर ले जाने लगा था, वो मना करती है तो वो उसे ज़बरदस्ती गोद में उठाकर ले जाता है और कहता है, तुम डाइविंग नहीं करोगी। वो कहती है, क्यों, डाइविंग क्लब क्या तुम्हारी फैमिली का है? अरे मैं तो भूल गई थी, डाइविंग क्लब सच में तुम्हारी फैमिली का ही है। वो कहता है, बकवास बंद हो गई तो जाओ घर। वो उसके पैर पकड़ जाने से मना करती है और उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तो मिस्टर लिन गार्ड्स को बुलाकर ज़ाओसिन को उठवाकर आइलैंड के बाहर छोड़कर आने को कहता है। ज़ाओसिन चिल्ला रही थी पर वो नहीं सुनता। जब मिस्टर लिन डाइविंग क्लब के मेंबर्स को सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के बारे में बता रहा था तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे देख भागने लगी थी, वो रुकने को कहता है। देन ज़ाओसिन वॉज लाइक, हेलो आई एम अ फॉरनर, नाइस टू मीट यू। वो कहता है, नौटंकी बंद करो, मैं तो तुम्हें भूत के भेस में भी पहचान लूंगा। तो ज़ाओसिन भागने लगती है पर मुंह के बल जा गिरती है और उसके मुंह से घास निकलती देख मिस्टर लिन जोर जोर से हंस पड़ता है। पर ज़ाओसिन रोने लगती है, वो उसे चुप कराता है पर वो और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो इन्फॉर्मेशन भी लीक नहीं की फिर भी तुमने मुझे जॉब से निकाल दिया और अब मुझे डाइविंग भी नहीं सीखने दे रहे गंदे। तभी एक वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, हनी अगर उस लड़की के हस्बैंड के जैसे तुमने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका ना तो तुम्हारी खैर नहीं। वो कहता है, डार्लिंग मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा, चलो डाइविंग करने चलते हैं। उनकी बातें सुन मिस्टर लिन ज़ाओसिन को टच करने लगा था पर वो नहीं करने देती। वो कहता है, ज़रा सोचो क्यों ना डाइविंग के बिना तुम बाकी सब चीज़ें फ्री में करो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वो एकदम मान जाती है। वो कहता है, तुम इस पर भी नौटंकी कर रही थी। और उसे हंसता देख गुस्सा हो जाने लगा था पर वो उसकी टांगे पकड़ कर कहती है, सॉरी प्लीज़ अगली बार मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो वो उसे ऐसे ही ले जाता है। फिर वो दोनों शिप से घूमने आते हैं और वो दोनों दूसरे आइलैंड पर आ गए थे जहाँ पे आस पास दूर दूर तक भी कोई नहीं था। मिस्टर लिन उसे कैप पहनने को कहता है पर वो मना कर देती है। तभी ज़ाओसिन के ऊपर बीट गिरती है, वो चिल्ला पड़ती है पर वो साफ करता है। बट वो उसे देख रही थी तो वो एकदम दूर हो जाता है और उसके ऊपर कैप कर देता है। मिस्टर लिन को अपने कपड़े निकालते देख वो कहती है, ये क्या कर रहे हो। तो दी एंड करने से पहले मैं आपको BTS प्रोडक्ट्स बाय करने का याद दिला दूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ पार्ट 7 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।